लॉकडाउन के पहले मैं दिन भर घर पे अकेली ही रहती थी। ये अपने ऑफिस में बिजी रहते थे और बच्चे कॉलेज और दोस्तों में। ये संडे और छुट्टियों पे ही थोड़ी चहल पहल रहती थी घर पे। मेरा स्ट्रेस तो तब बढ़ गया जब मुझे पता चला कि बाई नहीं आ सकती है सोसाइटी में। मैं तो बहुत डर गई। इतना सब कुछ मैं अकेली नहीं कर सकती थी बाबा। मगर शुरुआत में सबने मदद की। किसी ने बर्तन की जिम्मेदारी ली तो किसी ने पोछा मारा। ऐसे लगा जैसे कोई त्योहार सा चल रहा है। पर 20-25 दिन आते आते सब पता चल गया। सब पहले जैसा ही होने लगा धीरे धीरे। इन्होंने मेरे बेडरूम को ऑफिस बना लिया और बच्चों ने हॉल को कॉलेज। जो लोग इतने दिनों से काम में हाथ बटा रहे थे वो अब अपनी अपनी दुनिया में बिजी होने लगे। पहले मेरा काम मेरा था और बाई का उसका, पर अब तो बाई का काम भी मेरा ही हो गया। अपने लिए मैं पहले थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी, पर अब तो काम ही खत्म नहीं होता। मैं तो किचन में ही लॉकडाउन हो गई। एक दिन मेरा बेटा टीवी देख रहा था और मैं उसके सामने पोछा वगैरह कर रही थी। मदद करने के बदले उसने अपना पांव ऊपर कर लिया। तब मुझे लगा कि सच में मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं ना। मैं तो जैसे इन लोगों को दिखती ही नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा हूं भी कि नहीं। मैं तो लॉकडाउन के पहले भी अकेली थी और आज भी जैसे अकेली ही हूं।